राम राम जी सायन है। आज देखिए हम कुर्ती की और प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने कुर्ती कटिंग करी हुई है। इसमें हमने लंबाई की लेंथ में सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। 1 इंच यहाँ पे मुड़ेगा हमारा और 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन मुड़ेगा। और यहाँ पर भी हमने सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन लेना है मुड़ाई के लिए। ऐसे ये देखिए हमने ये प्लाजो कटिंग की हुई है। प्लाजो में अगला फ्रंट ये है हमारा, ये देखिए पिछला फ्रंट ये है। इसमें ये 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ देखो आप, ये ऐसे हमने कटिंग की हो। इसमें 2.5 इंच का मार्जिन हमने नीचे लिया हुआ है और 2 का मार्जिन हमने ऊपर लिया हुआ है, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। ये बेल्ट वाला नहीं है, ये इलास्टिक वाला है। इसमें हम पैंट प्लाजो कटिंग यहाँ से सेफ, ये सेफ 2.5 इंच की होती है हमारी। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, ऊपर से हम यहाँ से लेके इंची टेप यहाँ तक 18 इंच का निशान लगा लेंगे और इसको 2.5 इंच की इसको ऐसे सेव कर देंगे। जैसे मैंने की हुई है इसकी, ये मैं आपको एक यहाँ से कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने यहाँ तक तो टेढ़ी लेके यानी यहाँ तक हमने फिर सीधी लेनी है। ये देखिए सीधी, क्यों ये फिर अगर हम गोलाई में काटेंगे तो ये चीज़ हमारी ऐसे नहीं आएगी। देखिए ये ऐसे मुड़ जाएगा हमारा। यहाँ से हमने ऐसे नहीं लेना है, ऐसे लेना थोड़ा सा। तो इससे देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐसे मुड़ जाए, ये हमारी सेव बन गई है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये कैंची से हमें टेढ़ा कटा हुआ है। यहाँ देख ऐसे ये देखिए हमने कर दी है ये ऐसे, ये हो गया हमारा। अगर हम यहाँ से ये कटिंग एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो हमारा प्लाजो थोड़ा सा फिरने लग जाता है। अगर हम ऐसे कटिंग करेंगे तो हमारा प्लाजो भी नहीं फिरेगा और पिछला पार्ट एक्स्ट्रा भी कट जाएगा, जिससे हमारी फिटिंग एकदम अच्छी आएगी। और इसकी स्टिचिंग हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा के यहाँ कट लगा लेते हैं। यहाँ पे अगले फ्रंट में 2 प्लेटें पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।